next problem, the number of roots of equation x plus 2 tan x is equal to pi by 2 in the interval 0 to 2 pi is this one. Right? Simple problem hai, ab ye diya hua hai, ki x plus 2 tan x is equal to pi by 2. So, as a 2 tan x kitna ho jaga? 2 tan x is equal to, this is pi by 2 minus x ho jaga, to minus x ho jaga. क्योंकि हम trigonometrical function और algebraic function को एक तरफ लाना चाहते हैं और सीधे इसको और simplify करेंगे तो this will give tan x is equal to ये 2 से divide कर देंगे तो this is pi by 4 minus x by 2. देखिए अब हमारे पास दो function है y is equal to tan x और y is equal to pi by 4 minus x by 2. अभी चलिए दोनों का graph खींचते हैं. तो आइए सबसे पहले tan x is equal to pi by 4 का ग्राफ खींचते हैं. देखिए tan x is equal to pi by 4 0 to 2 pi इंटरवल में है. ये pi by 2 पर एसिम्प्टोट मिलता है, यहां से इनफाइनाइट होता है अनडिफाइंड, और यहां पाई पर नाउ दिस पॉइंट इज ये जो 3 pi by 2 दिख रहा है ये पॉइंट, तो यहां पर भी हमको इनडिटरमिनेट वैल्यू मिल रहा है. अब हमारा जो लाइन मिलेगा ये y is equal to pi by 2 minus x. राइट तो ओरिजिन पर हम देखें कि कहां से स्टार्ट हो रहा है. एट x इज इक्वल टू 0 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी ये पाई बाय 4 है. y इज इक्वल टू पाई बाय 4 तो ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहां कट करेगी, 0 और पाई बाय 4 पर. देखिए ये यहां पर कट करेगी कहीं 0 और पाई बाय 4 पर. राइट सो इट कट y axis है 0 and 2 pi by 4. पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 and pi by 4 पर इसको कट करेगी. राइट और ये देखिए इसका स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो रहा है इसका स्लोप. ये लाइन का ये है, देखिए इसका स्लोप होगा तो ये y axis पर ये हुआ इंटरसेप्ट कितना माइनस और स्लोप डाउन द ग्रेडियंट जाएगा. तो अगर इस लाइन का इक्वेशन हम खींचें, ये y इज इक्वल टू इस लाइन का इक्वेशन खींचे इसमें, तो हमको देखिए ये कर्व मिल रहा है जो 0 pi by 4 पर कट कर रही है y एक्सिस को एंड इट समथिंग पासेस लाइक, देखिए यहां pi by 2 पर, देखिए pi by 2 पर क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस को टच करेगी यहां पर और ऐसे जा रहा है. राइट इसलिए अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखिए कहां-कहां कट कर रहा है, 1, 2 एंड 3. तो ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, राइट ये कट कर रहा है 3 पॉइंट पर, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. ओके थैंक यू.